हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 3 ऑफ चैप्टर 9, क्लास 7th. दिस वर्कशीट इज पेज नंबर 179. ओके, दिस वर्कशीट इज बेस्ड ऑन ASA कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन. ASA रूल इसमें अप्लाई होता है, तो सबसे पहले हम ASA रूल को रिवाइज कर लेते हैं कि ASA रूल क्या होता है. ASA मीन्स एंगल साइड एंड एंगल्स. ओके, तो इसमें क्या होता है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडिंग साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडिंग साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, दिस इज ASA कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन. ओके, ये बच्चे मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर कर रही हूँ. ये दो ट्राइंगल है हमारे पास, कोई भी लेट, ये मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा है, ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल मैं ले लेती हूँ एक्स वाई जेड, राइट. तो इस ट्राइंगल में क्या है, ये एंगल 80 डिग्री का है और ये एंगल 40 डिग्री का है, और इसी तरीके से इस ट्राइंगल में भी ये एंगल 40 डिग्री का है और ये 80 डिग्री का है, ठीक है. और इसमें क्या, तीन चीज़ें कॉमन होनी चाहिए, दो एंगल्स और एक साइड. मैं देखिए, एंगल साइड एंड एंगल, आपने बच्चे चेक ये करना है कि दोनों ही ट्राइंगल में कौन सी इंक्लूडिंग एंगल साइड है. तो 80 डिग्री का एंगल और 40 डिग्री का एंगल, इन दोनों में कौन सी इंक्लूडिंग साइड कौन सी है. दोनों ट्राइंगल, दोनों एंगल जो है 3 सेंटीमीटर, ए बी लाइन पर बना हुआ है ये वाला, तो 3 सेंटीमीटर इसकी इंक्लूडिंग साइड है और इसमें एक्स वाई जो है इंक्लूडिंग साइड है. तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई एंड जेड. ओके, नाउ द क्वेश्चन, वर्कशीट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपकी बुक में दिया हुआ है. इन फिगर 9.28, मतलब कि बुक्स में बहुत सारी पिक्चर्स बनी होती हैं तो फिगर का नेम रख देते हैं कि ताकि कन्फ्यूज़न ना हो. तो मैंने भी आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ फिगर का नाम लिख दिया है 9.28. आपकी बुक में सेम एज इट इज़ फिगर बनी हुई है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है. इन फिगर 9.28 एंगल पी इज इक्वल टू एंगल वाई दैट इज 40 डिग्री. एंगल पी कौन सा है, ये दो ये ट्राइंगल बना हुआ है पी क्यू आर, और इसमें पी एंड एंगल चलो पहले हम क्वेश्चन पूरा रीड करते हैं. एंगल पी इज इक्वल टू एंगल वाई इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल क्यू इज एंगल इक्वल टू एंगल जेड इज इक्वल टू 60 डिग्री. फाइंड द थर्ड पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स विच मेक्स ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल वाई जेड एक्स बाय ASA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन. तो ASA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से अप्लाई करना है हमें, और जो दोनों ट्राइंगल है इनको इक्वल बताना है. और हमें गिवन क्या क्या है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Y और वो 40 डिग्री का है. तो एंगल P कौन सा है, ये है हमारा एंगल P 40 डिग्री का है, और किसके इक्वल है, वाई एंगल के इक्वल है, ये भी हमारा 40 डिग्री का है, ठीक है. और इसके बाद हमें दिया हुआ है एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल जेड इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो एंगल क्यू क्या कौन सा हमारा, ये वाला 60 डिग्री, एंड एंगल जेड ये भी हमारा 60 डिग्री का है, ठीक है. तो अब हमें ये बताना है विच, फाइंड द थर्ड पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स. तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, थर्ड पार्ट कौन सा, दो एंगल्स तो इक्वल हो गए हमारे पास, ठीक है. तो थर्ड पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है हमारा, ये लाइन एंगल साइड जेड वाई और साइड पी क्यू, ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल है. तो इन दो, ये तीनों चीज़ें हमारे पास कॉमन हो गई. क्या क्या हो गया, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल वाई 40 डिग्री, ये हमें गिवन है ऑलरेडी, और क्यू एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल जेड 60 डिग्री, ये हमारा पास दोनों अभी हमने प्रूव किया है इसको, ये दोनों गिवन है. और थर्ड थर्ड कौन सा होगा हमारे पास, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, पी क्यू इज इक्वल टू वाई जेड. तो ये 4.6 सेंटीमीटर जो है
अगर ये तीनों चीज़ें हमारी इक्वल हो जाती हैं, देन वी कैन से ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ट्राइंगल वाई जेड एंड एक्स। तो इस फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो हमारी ए एस ए रूल जो है कंप्लीट हो जाता है, इस क्वेश्चन पे अप्लाई होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू वर्कशीट 3 पेज 180 पर है। ओके, क्वेश्चन, विच पेयर ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, इफ कॉन्ग्रुएंट राइट दिस कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स इन सिम्बॉलिक फॉर्म। बच्चे ये बस वही क्वेश्चन नंबर टू जैसे हमने वर्कशीट नंबर टू में किया था, बस आपको ये बताना है कि सिम्बॉलिक फॉर्म में इसको कैसे लिखना है। तो इसमें ए एस ए रूल अप्लाई करना है आपने, ठीक है? यस, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये दो ट्राइंगल हमें दिए हुए हैं, तो आप लोगों को चेक करना है वही सेम, ये 40 डिग्री का है, इसमें भी ये भी 40 डिग्री का है, मतलब कि एंगल ए एंगल जेड के इक्वल है और एंगल सी किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। तो इसमें दोनों में इंक्लूडिंग साइड कौन सी इक्वल है, 3.5 सेंटीमीटर, ए सी साइड इज इक्वल टू वाई जेड। देन वी कैन से ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल जेड एक्स वाई। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, ये ऑलरेडी मैंने फिगर्स ड्रॉ करके रखी हैं। यस, तो इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, दिस एंगल इज इक्वल टू 80 डिग्री और एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये दो ट्राइंगल हमारे पास। यस, और दूसरा हमारे पास दिस साइड इज गिवन टू यू 4 सेंटीमीटर एंड ये 4 सेंटीमीटर। और अब हमें क्या बताना है कि दो, एक एंगल और एक साइड तो इक्वल दिए हुए हैं हमारे पास, और तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, एक एंगल भी इक्वल और होना चाहिए। तो ये एंगल जो है, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, जो आप लोगों ने लास्ट चैप्टर नंबर 8 में थ्योरम करी होंगी तो उसमें ये रूल भी अप्लाई होता है। तो ये एंगल भी हमारे इक्वल हैं, तो देन वी कैन से ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। तो एक साइड, दो साइड, दो एंगल्स एंड वन साइड जब हमारे आपस में इक्वल हो जाते हैं, देन वी कैन से ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब ये फिगर हमारे पास दिए हुए क्वेश्चन नंबर 3 में। यस, तो इसमें हमारे पास, ये कल भी हमने किया था वीडियो में, ये सेम फिगर थी। तो इसमें अब हमने ए एस ए रूल अप्लाई करना है, उसमें हमारा दूसरा रूल अप्लाई हो रहा था लेकिन इसमें हमारे पास ए एस ए रूल अप्लाई करना है। तो ये फिगर्स, ये ट्राइंगल हम कल भी बताया था, ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हो रहे हैं, बी डी सी एंड बी ए सी। यस, तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ इक्वल है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, मतलब कि 40 + 20 डिग्री, ये दोनों हमारे इक्वल हैं, ठीक है? और दूसरा एंगल कौन सा इक्वल है, एंगल डी बी सी एंड एंगल ए सी बी 40 डिग्री का, ओनली 40 डिग्री का ये इक्वल है। एंड थर्ड चीज, ये बी सी लाइन हमारी कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, तो तीनों चीज़ें हमारे पास इक्वल हो गई दोनों ट्राइंगल में। देन वी कैन से ए बी सी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी बी। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें ये फिगर दी हुई है और इस फिगर में भी हमें ये चीज़ें क्या क्या मेंशन की हुई हैं, दिस एंगल इज 40 डिग्री एंड दिस एंगल इज 40 डिग्री एंड दिस एंगल इज 60 एंड दिस वन, दो एंगल्स हमारे पास ऑलरेडी इक्वल है। देन तो क्या हम इन दोनों साइड्स को इंक्लूड करेंगे, नो ये नहीं करेंगे, हम ये वाली साइड को इंक्लूड करेंगे, दिस साइड्स आर इक्वल, इंक्लूडिंग साइड्स जो है हमारी ये वाली इक्वल है। तो ए सी साइड जब ए डी के इक्वल हो जाएगी, देन वी कैन से ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ई डी, ठीक है? और ये एक पार्ट और दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे थे, ए पार्ट हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ भी कर लिया, और ये जो फिफ्थ पार्ट है, इस फिगर को देखिए बच्चे, क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकती है? आप इसे
एक बार अपने अपने इमेजिनेशन से इसको कवर करके देखो, या इसके पिक्चर्स को इसके सेम साइज के ट्रायंगल्स को कट करके देखो, क्या ये कभी कवर हो सकेंगे? नहीं होंगे, ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो इसका आंसर यही है, दीज आर नॉट कॉन्ग्रेंट, राइट? ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वर्क करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।